अपने बच्चों को आप बहुत कुछ देना चाहते हो, संस्कार को छोड़ कर के दो चार मकान भी देना चाहते हो, दुकान भी देना चाहते हो, धन पैसा गाड़ी घोड़ा भी देना चाहते हो, सब व्यर्थ है, कुछ देने की जरूरत नहीं। केवल संस्कार में पर्याप्त कुछ मत, जरूरत नहीं, केवल क्या दो संस्कार। अच्छा देखो, चाहे हम हैं चाहे आश्रम वासी है, यदि इनका आचरण इनके विचार अच्छे ना हो तो आप लोग बैठेंगे, आप लोग आएंगे हैं? और यदि आचार विचार ठीक हो तो है ना, रोकना पड़ता है कि बस भाई भीड़ होगी है। तो किससे सब लोग आते हैं? आचार विचार व्यवहार से ना, प्रेम से ना। तो वैसी संस्कार यदि होंगे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे संस्थाएं होती है, जैसे अपना आश्रम है, तो आश्रम का ये तो विचार कभी रहा ही नहीं कि भाई आश्रम के पास क्या हो, वो संपत्ति हो है, जरूरत ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि भाई जोड़े हुए या किससे करते, तो जैसे उससे चलता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। और कभी कुछ नहीं, क्या कारण से? आचरण के कारण से ना। किसके कारण से? अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने त्याग, अपने तप, इसके कारण से। इतने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और उनमें संपत्ति किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर आचरण भ्रष्ट लोग बैठ गए तो सब क्या हो गए है ना। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपकी बड़ी होती है कि अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी कोठी बना दे, इसके लिए जमीन खरीद डाले, प्लाट खरीद डाले और ये कर डाले। अरे कुछ मत करो, जैसे तुमने कमा के खाया ऐसे वो भी खा लेगा। कोई यहाँ पैदा होता है तो रोटी सबको मिल जाए, मेरे को मिल रही नहीं, नहीं मिल रही है, मिल रही है ना? जब मेरे को मिल सकती है तो आपको नहीं मिलेगी क्या, ये बताओ आप? नहीं मिलेगी है? फिर आप ये कहोगे महाराज आपके चूल्हे बहुत है, आपने लगा सारे घर हमारे, सारी धरती के सारे चूल्हे किसके? बताते हैं ना बारम्बार, जितने घरों में चूल्हे हैं वो सब चूल्हे किसके हैं? हाँ, तो आपका तो एक चूल्हा है, वो भी किसी किसी दिन क्या हो जाए, ठंडा हो जाता है। और हमारे तो इतने चूल्हे हैं, ठंडा होगा क्या है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अपने बच्चों को संस्कार दो पर्याप्त। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ना बने, देखे बहुत बड़े लोग बन जाते हैं और गलत रास्ते पर जाकर के जवानी में ही क्या हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, शराबानी पी करके, नशा करके है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई गलत जगह बैठ करके, सब हो रहे हैं ना खत्म। उसका क्या लाभ होगा? देना है तो संस्कार दो, केवल ढिल्ला मत दे करके दो। जितना पैसा देंगे, जितनी एक व्यक्ति कहने लगा महाराज मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो नौकरी करता है, अच्छी अच्छी नौकरी मिलती, छोड़ा था। अच्छा, अब वो व्यक्ति बेचारा भोज में था, खुद डबल भोज में सर्विस की, दो दो उसकी पेंशन आती है, बड़ा मकान बनाया है, कई हजार रुपए मकान का किराया आता है। तो मैंने उससे पूछा पेंशन कितनी मिलती है? अच्छी पेंशन बताई उसने, 48-50 हजार। किराया कितना आता है? 20-30 हजार, वो भी बता दिया। मैंने कहा तेरा बेटा क्यों काम करेगा,
लेखपाल पिछुदार हो गया वो है, घरवाली भी है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, नौकरी छोड़ाता है महीना दो महीना करके, जिसको बिना किए सब कुछ मिल रहा है वो क्या करेगा। और तुम लोग यही इसी रास्ते पे सब चलना चाहते, जीवन में ईमानदारी अपनाओ, जीवन में कर्तव्य निष्ठा अपनाओ, अपना कर्तव्य पालन करो। जीवन में कोई दुखी है, विपत्ति में है, उसका सहयोग करो। ये नहीं कि क्या बोलते हैं तिनका तिनका जोड़ जोड़ करके और मर जाते हो, उनको नहीं याद करते। इस बात को समझ, ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा आपको, इतनी इसी बात समझाऊंगा। अच्छे अच्छे मानो, अच्छे रास्ते पर चलो, कोई तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद। अच्छे गृहस्थ बन जाओ, अच्छे संतान बनो, अच्छे माता पिता बनो, अच्छे नागरिक बनो, तभी जीवन में आनंद ही आनंद है। बुराइयां छोड़ो, सदगुण अपनाओ, आगे की तरफ बढ़ो। यहाँ पर तो साधु संतों ने मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया।